गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग सबको। और आज हम बस सुबह सुबह रेडी हुए हैं और ऑफिस के लिए, लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हुई हुई है क्योंकि वीकेंड था, तो जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो सही से नहीं हो सकी। वन मिनट। यस, कार्ड यू वांट नाउ? वन मिनट, इनको पे करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये ऑटो कार वॉश है हमारा यहाँ पे। सो या ब्रदर प्लीज। तो यहाँ पे असल में ओमान में ये प्रॉब्लम है कि आपकी अगर गाड़ी क्लीन नहीं है और आप रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको फाइन हो सकता है। पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है, यहाँ ओमान में 10 रियाल है। तो डस्ट पे भी आपकी गाड़ी अगर गंदी है तो उस पे भी आपको फ़ाइन लाजमी है। तो ये ऑटो कार वॉश का ये होता है कि चलो जल्दी में जो है वो वॉश हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है और आप फ़ाइन से भी बच जाते हैं। ठीक है, अभी पेमेंट का प्रोसीजर हो रहा है बस। ओके, थैंक यू, प्लीज़ मेक फास्ट। या ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, ये पे हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया, ब्रेक नहीं लगाने का। अपंच को साफ मांगता है गाड़ी अपना। ओके, सो हियर वी गो नाउ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, आपकी गाड़ी अब ऑटो पे जा रही है, ठीक है। और ये अभी इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले ये फॉर्मिंग शॉमिंग आएगी सारी, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म के शैम्पू वैम्पू, ठीक है। ओके, ये आप देख सकते हैं। और क्या हुआ, शावर हो रहा है, ज़बरदस्त। कार वॉश ओपन हुआ यहाँ पे, तो मैं कहा चलो शुरुआत कराएं। अभी वाटर स्प्रे हो रहे हैं, ठीक है, फॉर्मिंग का काम ख़त्म हो गया, शैम्पू भी ख़त्म हो गया। अब पूरी गाड़ी में जो है वो स्प्रे किया जा रहा है वाटर का। उसके बाद ये आप देखें, प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा, ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये एयर प्रेशर है जो पानी को जो है वो हटा देगा। अब बाकी जो आवाम है वो आपको आगे नज़र आएगी, ये जितने भी आवाम है वो अंदर से भी साफ़ करेंगे गाड़ी को और बाहर से भी, ठीक है। जी, नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर वर्क। सो कार इज़ नाउ क्लीन, नीट एंड क्लीन। जो है हमारी गाड़ी लश्कारे मार रही है, चम चम कर रही है। ओके, ये गाड़ी जो है वो हुंडई i10 है। ये अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लेकिन फीडबैक जो है इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। 1.2 है और 3 सिलेंडर है आई थिंक, यस 2 और 3। सो लेकिन ये है कि इस गाड़ी का मैं फीडबैक यही देना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर चांस बनता है आपका तो इस गाड़ी पे भी इन्वेस्ट करें। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये और काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसमें i20 भी है, i30 भी है हुंडई में। तो चलें, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लव यू हो गया ऑल ऑफ़ यू।
तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।